हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इन फॉलोइंग कर। और गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक C++ के शॉर्ट से कोड से आप प्रॉफिट फाइंडर टूल बना सकते हो। अगर तो आप C++ नहीं सीखना चाहते तो आप मेरा एक कोड कॉपी कर सकते हो और आप इसे रन कर सकते हो, आप इसे यूज कर सकते हो। सो आप वीडियो स्टॉप कर लेना और इसे देख लेना कोड को। और इस वीडियो में जो लोग इस कोड को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो मैं वीडियो में अच्छी तरह समझाऊंगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक शॉर्ट सी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक शॉर्ट सी इंट्रो के लिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर इंट्रो। सबसे पहले तो आप ये कोड देख लो, ठीक है। ये सारा कोड है जो मैंने इस्तेमाल किया है प्रॉफिट फाइंडर टूल को बनाने के लिए। तो अब मैं इसे सारा रेज कर देता हूँ और दोबारा से मैं कोड आपके सामने लिखता हूँ और आपको सारा ए टू जी समझा देता हूँ। सो सबसे पहले मैं इन सबको कट कर दूँ और फर्स्ट लाइन पे हम चल जाते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम लिखेंगे इंक्लूड हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम। सो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये मैंने इंक्लूड आयो स्ट्रीम क्यों लिखा है। सो इंक्लूड का मतलब है कि हम इस कोड में ये चीज इंक्लूड कर रहे हैं। सो इंक्लूड हम इस कोड में कर रहे हैं, हम आयो स्ट्रीम एक लाइब्रेरी है जो हम इस कोड में इंक्लूड कर रहे हैं। इस लाइब्रेरी का ये काम है जिस तरह हम कोड लाइंस यूज करते हैं, जिस तरह सी आउट सी इन, वो सारी जो चीजें हैं वो इस लाइब्रेरी के अंदर हैं। सो हम इसे अपने कोड में इंक्लूड कर रहे हैं। तो उसके बाद हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और उसके बाद इसे मैं क्लोज कर देता हूं। और मैं आपको ये बता दूं ये जो साइन है ये क्लोज करने के लिए होता है कोड को, कोड की लाइन को। सो उसके बाद हम अपना कोड स्टार्ट करते हैं और ये मैंने एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाया है। मैं आपके सामने भी एक बनाता हूँ बेसिक सा स्ट्रक्चर। इंट मेन उसके बाद सो ब्रैकेट डलेगा और उसके बाद मैं वैल्यू दे तो रिटर्न, मतलब यहाँ कोड एंड हो जाएगा, रिटर्न की वैल्यू और उसके बाद एंड। सो अब हम इसके अंदर अपना कोड लिखें। सो सबसे पहले हम वेरिएबल्स बना लेते हैं क्योंकि वेरिएबल्स जब बने होंगे तो उनके अंदर हम अपना डाटा स्टोर करेंगे जो हम यूजर से इनपुट लेंगे। सो इंट इंट वेरिएबल मैं यूज कर रहा हूँ, ये नंबर्स को स्टोर करने के लिए यूज होता है, सही है। सो इंट और उसके बाद इसके अंदर कॉस्ट और सेल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इन्हीं कीवर्ड्स को यूज करेंगे। सो सबसे पहले हम कोड कॉस्ट का वेरिएबल बना लेते हैं। तो कॉस्ट का वेरिएबल, फिर उसके बाद सेल का वेरिएबल और उसके बाद प्रॉफिट का भी वेरिएबल हम बना देते हैं, प्रॉफिट। सो इसका भी वेरिएबल बन गया। अब हम यूजर को कहेंगे टाइप, एक मिनट, टाइप टाइप कॉस्ट प्राइस, सही है। इसके बाद हम एंडल लिखेंगे। सो एंडल मैं आपको बता दूं मैं क्यों लिख रहा हूं। सो एंडल का ये काम होता है कि जो इसके आगे वाला कोड है वो नेक्स्ट लाइन पे होगा, ये नहीं कि इसी लाइन में आगे इसके साथ होगा। सो एंडल का ये इस्तेमाल होता है। सो मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसके बाद हम इसे क्लोज कर देते हैं। उसके बाद दोबारा हम इनपुट लेने के, जब हमने टाइप कॉस्ट प्राइस कहा है तो यूजर जब अपना इनपुट देगा वो अपनी कॉस्ट प्राइस लिखेगा तो इस कोड लाइन की मदद से लिखेगा। सो सी इन, उसके बाद कॉस्ट का वेरिएबल मैं इसके अंदर कर देता हूँ और इसके बाद इसे भी क्लोज कर देता हूँ। सो उसके बाद मैं दोबारा लिखूंगा सी आउट, मतलब हम दोबारा अब उससे सेल प्राइस भी पूछेंगे। सो टाइप सेल प्राइस। सो अब वो हमें अपनी सेल प्राइस बताएगा। दोबारा से मैं वही करूंगा एंडल
और इसके बाद सीन, और इसके बाद मैं इसके अंदर कौन सा वेरिएबल डालूंगा, सेल का वेरिएबल। सो सेल का वेरिएबल मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, सेल का वेरिएबल इसके अंदर डाल चुका है। सो इसके बाद अब जब हमें सारे डाटा जो हमने यूजर से लेना था, इनपुट करवाना था, वो हमें मिल चुका है, तो अब बारी आ चुकी है कि हम जो रिजल्ट है वो यूजर को दें, मतलब कि प्रॉफिट हम उसको दें। सो प्रॉफिट देने के लिए हमने क्या लिखना है, हमने प्रॉफिट की वैल्यू पहले हमने डिक्लेयर करनी है। प्रॉफिट की वैल्यू होगी, प्रॉफिट की वैल्यू होगी सेल माइनस कॉस्ट। सो इसके बाद मैं इसे बंद कर देता हूँ। और अब हम मतलब प्रॉफिट की वैल्यू तो अब हमें मिल चुकी है, सो मतलब कोड को मिल चुकी है। सो उसके बाद हम प्रॉफिट की वैल्यू को यूज़र को शो करा देंगे। सो सी आउट लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे योर प्रॉफिट, प्रॉफिट उसके बाद इज इक्वल टू का साइन, उसके बाद अब प्रॉफिट को हम शो कर देंगे। सो अब हम इस कोड को रन करते हैं और देखते हैं कि कोड चलता है या नहीं। कॉस्ट प्राइस टाइप करेंगे, जैसे हमें कॉस्ट प्राइस थी 600, सो 600 को हमने टाइप कर दिया। अब उसके बाद सेल प्राइस बताएंगे कि हमने कितने में सेल किया, सो 700, एंड देन आपको प्रॉफिट आपका मिल चुका है, योर प्रॉफिट इज इक्वल टू 100। सो 600 माइनस 700 100 ही होता है, सो इसका मतलब प्रॉफिट सही है। सो गाइज ये थी मेरी वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।